वेलकम सर। हेलो ये सर, ये फैकल्टी सर, सर आइए। Today is the 7th edition of Open DPGC Badminton Tournament 2023. Milky.
स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का जो स्पोर्टिंग ओरा होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, और उसके साथ ही साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करता है। और ये जो आपका टूर्नामेंट है इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहा है DPGC बैडमिंटन क्लब की ओर से। ओके, तो सर ये आज आप लोग का ये जो ये टूर्नामेंट, इसको कितना दिन तक आप लोग खेला है? ओके, आज से हम लोग का ये बैडमिंटन शुरू है 19, आज ओपनिंग सेरेमनी है और कल चलेगा और परसों में फाइनल ख़त्म हो जाएगा। तो 3 दिन का हम लोग का ये टूर्नामेंट चलेगा, आज कल और परसों तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी देखा गया कि हमारा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली वेस्ट सियांग नहीं है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बहुत लोग है बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट होने वाले, तो उन सभी को आपका तरफ से इस स्पोर्ट में क्या एडवाइस? ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो हम खुद एक स्पोर्ट्समैन है, बैडमिंटन सब स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत खेल लेता है, और ये जो बैडमिंटन ऑर्गेनाइज करने का एक ही मोटिव है, हम लोग स्टूडेंट्स को ना एक्टिव होने रहने देने के लिए। इवन जो आप पढ़ाई करने से भी आपका, जब तक आपका मेंटली फिट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही मैसेज के साथ हम लोग स्टूडेंट्स लोग को इंकरेज करता है स्पोर्ट्स में भाग लो। और अभी का समय में एट प्रेजेंट जहाँ तक हम लोग देख रहा है कि स्पोर्ट्स का बहुत चांस है फ्यूचर में, है ना। तो रिसेंटली हम लोग का टग ऑफ वार में भी आलो से जो टग ऑफ वार एसोसिएशन से आया था, और हम लोग का यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए भी ले गया था, जो कि हम बहुत खुश था उसके लिए। और साथ ही साथ हम लोग का जो बैडमिंटन करा रहा है, हम लोग का यहाँ से जो अच्छा खेलेगा और जो अच्छा स्टूडेंट्स अच्छा प्लेयर्स निकलेगा उसको हम लोग सेलेक्ट करके इन फ्यूचर अगर कुछ बाहर में या टूर्नामेंट होता है तो हम लोग कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे भेजेंगे उसको। तो काफ़ी देखा गया है कि जो हम लोग का यूथ है इसमें से जो ड्रग्स में आजकल पूरा गिर रहा है, तो ये स्पोर्ट भी एक जरिया है कि यूथ लोग को ड्रग्स से दूर रखने के लिए जी। तो इस ड्रग्स के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा ड्रग्स को लेके, बट देन जब हम लोग स्पोर्ट्स का बात करता है, स्पोर्ट्स क्यों खेलाता है, स्पेशली जो हम लोग का कॉलेज या जो भी एक एजुकेशन कैंपस के अंदर जब खेलाता है, तो एक ही मोटिव रहता है कि जितना भी स्टूडेंट्स है वो एक पर्टिकुलर चीज़ में एंगेज रहा है कि नहीं, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल इवेंट्स हो, ताकि एंगेज रहा है, ना कि दूसरा कुछ ड्रग्स या जो भी अल्कोहल या जो भी इंटॉक्सिकेंट कुछ सब्सटेंस में एंगेज रहने से अच्छा आप स्पोर्ट्स में उन लोग को एंगेज कराने से वो लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, हेल्थ वाइज ना, और मेंटल वाइज, फिजिकल वाइज, सब चीज़ में वो लोग बेनिफिट होगा, ओवरऑल पूरा एकदम डेवलपमेंट होगा। तो उसी का मोटिव से हम लोग ये टूर्नामेंट या जो भी टूर्नामेंट खेलाता है, अभी बैडमिंटन है और आने वाला फेब्रुअरी में हम लोग क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेलाते हैं, तो ये स्टूडेंट लोग के लिए। लास्टली आप लोग के इस टूर्नामेंट में कितना टीम पार्टिसिपेट किया है? इस बार थोड़ा सा ज़्यादा आया है टीम, लड़का लोग का जो मेंस डबल है उसमें वी हैव अराउंड 14 टीम्स, और लड़की लोग का स्पेशली इस बार बढ़ गया है, लास्ट टाइम सिर्फ 4 टीम था और इस बार 8 टीम आया है, तो हम लोग बहुत खुश है। जो फीमेल्स है वो लोग शायद एंकरेज हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है बैडमिंटन खेलने के लिए, तो उसके लिए हम लोग बहुत खुश है, स्पेशली DPGC बैडमिंटन क्लब बहुत खुश है कि 8 टीम आया है, और आशा करता है कि नेक्स्ट जब हम लोग 8th एडिशन खेलाएगा और ज़्यादा प्लेयर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ जो भी है और ज़्यादा मोटिवेट होकर पार्टिसिपेट करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।